स्वागत है आपका द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम आशीष कुमार स्तोगी आज आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण खबर लेकर आए हैं, और यह है खबर आई आपकी आरआरबी एनटीपीसी आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2019, यानी कि 2020 में आपका ये एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहा है, इसकी वजह आपको बताएंगे हम। और इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें, और जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वह सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमारे चैनल को आप लोग लाइक करना ना भूलें आप, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए आप, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें और सभी को ये जानकारी मिल जाए कि आखिर 2020 में आपकी जो रेलवे की परीक्षा है ये क्यों नहीं हो पा रही है। इसलिए हमने आपका वीडियो तैयार किया है, और लास्ट में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको कैसा लगा। और आपको बता दें, ये जो हम आपको खबर बता रहे हैं ये आपकी यानी कि हिंदुस्तान न्यूज़ के माध्यम से बता रहे हैं आपको। आप जाके गूगल पर सर्च कर सकते हैं, ये जो आपकी खबर है ये हिंदुस्तान के माध्यम से बता रहे हैं हम आपको, जो आपका समाचार पत्र है। और ये महत्वपूर्ण खबर आई है आपकी यहाँ से कि आरआरबी एनटीपीसी आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2020 एक साल से 3.25 करोड़ अभ्यर्थी कर रहे हैं रेलवे भर्ती परीक्षा का इंतज़ार। और यह संवाददाता का नाम दे रखा है अभिषेक कुमार पटना, यानी कि अभिषेक कुमार ने ये जारी की है रिपोर्ट, यानी हिंदुस्तान के माध्यम से पटना से आई है। तो देखते हैं खबर क्या निकल गई आपकी। देश के सभी 21 रेलवे भर्ती बोर्डों की ओर से एनटीपीसीएस में अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट के 13 संवर्गों के 35,000 सीटों पर नियुक्ति के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। इसके लिए आवेदन पिछले साल 31 मार्च तक लिए गए थे। और आप लोग हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें। तो देखते हैं इसमें आपके लिखा है कि देश भर से इस पद के लिए 1,43,00,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था, पर अभी तक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की गई है। इसके आवेदन के लिए एक साल होने को है, पर आरआरबी की ओर से कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। परीक्षा संचालन को लेकर अब तक एजेंसी तय नहीं की जा सकी है। अभी इतनी बड़ी परीक्षा को कंडक्ट कराने के लिए एजेंसी की तलाश की जा रही है। इसका मतलब जो परीक्षा आपकी कराएंगे उसके अभी तय नहीं किया गया है। ये मेन पॉइंट है इसमें आपका कि इतनी बड़ी परीक्षा को कंडक्ट कराने के लिए एजेंसी की तलाश की जा रही है अभी तक। तो इसका मतलब अभी आपकी परीक्षा आगे जाएगी है। इसमें लिखा है कि 1,03,000 पदों के लिए आवेदन, रेलवे ने ग्रुप डी के 1,03,000 पदों के लिए आवेदन लिए थे। इसका भी एक साल पूरा यानी गुजर चुका है। इस परीक्षा के लिए 1,25 करोड़ अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं, पर इसकी परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की गई है। इस परीक्षा को कंडक्ट कराने के लिए भी एजेंसी नहीं मिल पा रही है। रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बिहार सहित दूसरे, कहने का मतलब यह है चाहे भी आपका आरआरबी का एग्ज़ाम, कोई भी एनटीपीसी का या ग्रुप डी का, इसके लिए कोई भी एजेंसी अभी नहीं मिल पाई है जो रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए आपके यानी पेपर करा सके। तो इसमें लिखा बिहार सहित कई राज्यों के लाखों अभ्यर्थी परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा आवेदन बिहार और उत्तर प्रदेश से गया आपका आवेदन। तो लिखा हुआ है इसमें, इस परीक्षा का आवेदन कराने वाले अभ्यर्थी अभिषेक, विनीत पटेल, रवि कुमार, कृष्णा, विकास का कहना है कि अब रेलवे भी समय पर परीक्षा नहीं ले रहा है। पहले रेलवे निर्धारित समय पर परीक्षा लेता था। तो ये बहुत बड़ी समस्या आई है कि रेलवे की परीक्षा का आयोजन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एजेंसियाँ नहीं मिल पा रही हैं कि कौन से एजेंसी को ये दिया जाए जिम्मा। और आपको हम बताएंगे ऐसा क्यों हो रहा है। आगे, छात्रों का हो रहा है नुकसान, रेलवे प्रतियोगिता परीक्षा के विशेषज्ञों की माने तो रेलवे की विलम्ब से हो रही परीक्षा से छात्रों को काफ़ी नुकसान है। एक परीक्षा में इतना विलंब नहीं होना चाहिए। परीक्षा विशेषज्ञ नवीन कुमार और रहमान की माने तो रेलवे ही बड़ी वैकेंसी देता है। इसमें बिहार के लाखों अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं। समय पर परीक्षा नहीं होने से परीक्षा का आत्म यानी कि परीक्षार्थियों का आत्मविश्वास खोने लगा है। और आपको बताएं इसमें, क्योंकि एजेंसियाँ मिल नहीं पा रही, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट है
और कहने का मतलब यह है कि ये नहीं चाहते कि इसमें धांधली हो बिल्कुल भी, ये किसी अच्छी एजेंसी को पकड़ना चाह रहे हैं जिससे परीक्षा में बिल्कुल धांधली ना हो, इसलिए थोड़ा सा आपका समय लग रहा है और परीक्षा जल्द से जल्द आयोजित की जाएगी। इसमें लिखा है रिपोर्ट के मुताबिक इस देरी का कारण परीक्षा एजेंसी का ना मिल पाना था। रेलवे एक एजेंसी की तलाश कर रहा है जो बिना किसी गड़बड़ी के पूरी पारदर्शिता के साथ इस व्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन कर सके। तो इसमें लिखा आगे आपका, पिछले 2 वर्षों में रेलवे ने की दुनिया की सबसे बड़ी भर्ती, यानी कि 1.27 लाख वैकेंसी और 2.4 करोड़ आवेदन। ये दुनिया की सबसे बड़ी भर्ती मानी जाएगी रेलवे की, जो आपका परीक्षा होगी 2020 में। और जल्द से जल्द रेलवे जो है किसी, यानी कि परीक्षा को जो है कंडक्ट कराने के लिए किसी को ये फाइनल कर लेंगे, उसके बाद आपकी डेट जारी कर दी जाएगी। इसलिए आप लोग तैयारी करते रहें, अपना आत्मविश्वास बिल्कुल भी ना खोएं। और अगर कोई और न्यूज आएगी तो हम आपको इसी चैनल के माध्यम से, यानी कि द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, हम आपको जानकारी उपलब्ध करा देंगे। और हमारे चैनल को आप लोग लाइक करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए आप, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें। हमारा मकसद यही है कि हम आपको यहाँ पर कोई भी अगर न्यूज़ आती है तो आपको इसी चैनल के माध्यम से उपलब्ध करा देंगे। और हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको कैसा लगा, और आप लोग देखते रहिए द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।